फ्री में सब्सक्राइब करिए सफरनामा चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। ये ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाला है, तो आप इसको पूरा देखें, बिल्कुल ही मिस ना करें बीच में से। आदर आदा अभिनंदन आभार, मैं मानस आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से सफ़रनामा में। तो आइए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ ले चल रहा हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस प्लेस पे। लेट्स चेक इट आउट। ये देखो दोस्तों, खाई। ये आपको बैकग्राउंड देख के पता चल ही होगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं। हम आ गए हैं ऑयस्टर वाटर पार्क। ये बेसिकली अपू घर के नाम से जाना जाता है गुड़गांव में। ये लेफ्ट साइड में मुड़ते ही टिकट काउंटर है। आइए बताता हूँ वो क्या टिकट चार्जेस हैं यहाँ के। वीकेंड और हॉलीडेज़ में अगर आप आते हैं तो सीनियर सिटीज़न के चार्जेस हैं 799 के, जनरल एंट्री है 1399 और किड्स की है 899 का। मंडे टू फ्राइडे आएंगे तो 799, नॉर्मल 1299 और किड्स का 799 चार्जेस है। यहाँ पे आप कैश और कार्ड किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हैं। पहले इनका रेट 1200 था लेकिन अब इन्होंने बढ़ा करके उसको 1300 रुपये कर दिया है। तो उसमें आपको एक इस तरह का बैंड दिया जाएगा जो कि आप हाथ में बांधेंगे, और एक ये और बैंड देते हैं साथ में। आप कुछ भी अंदर लॉकर लेना चाहें, कॉस्ट्यूम लेना चाहें, तो ये बैंड रिचार्ज करा करके आपको अंदर कैश देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ भी खाना पीना हो, फूड वगैरह, तो इसी से हो जाएगा, और जो भी पैसा बचेगा वो आपको रिफंड हो जाएगा कैश में। दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे, और ये देख रहे हैं आप, नंगे पुंगे लोग दिखना शुरू हो गए हैं चड्डी और बनियान में। आइए हम भी वो रूप ले लेते हैं जल्दी से। ऐसा लग रहा है किसी मॉल के शॉप में घुस रहे हैं। लॉकर्स, कॉस्ट्यूम्स, पहले कॉस्ट्यूम ले लें एक। हाँ, शॉर्ट चाहिए या टी शर्ट और शॉर्ट दोनों? कितने का है टी शर्ट? सर 319 का पड़ेगा। हाँ। और शॉर्ट आपका 250, मतलब खरीदना पड़ेगा। हाँ, रेंट पे नहीं। रेंट पे नहीं है? कॉस्ट्यूम ओनली ऑन सेल है भैया, यहाँ पर रेंट रेंट पे नहीं मिलता है। ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम अपोजिट में आपको लॉकर मिलेगा। ये आपको और कॉस्ट्यूम्स का मैं वैरायटीज दिखा देता हूँ। लॉकर दीजिए सर। लॉकर बिग साइज मीडियम साइज? मीडियम। तो दोस्तों लॉकर के चार्जेस जो है 300 रुपये ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो एक्चुअल चार्जेस है 100 रुपीज़ है और 200 रुपीज़ रिफंडेबल है। लॉकर है जो कि ये मीडियम लॉकर बोलते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप वाला बैग है और कुछ कपड़े हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा सामान हो फिर आपको ये लॉकर लेना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आके एक चीज़ ये पता चली कि कॉस्ट्यूम आप अपना खुद ही लाएँ, क्योंकि यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए सब बैठे हुए हैं। हर जगह तो कॉस्ट्यूम रेंट पे होता है, बट यहाँ पे रेंट पे नहीं है, यहाँ पे आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स लिए अपने लिए, जो कि मुझे पड़ा 250 रुपये का ब्लैक कलर में। एक और बकचोदी सुनने को मिल गई है, घड़ी अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई मेरी वाटरप्रूफ घड़ी है। नहीं सर, वो आपको चोट लग सकती है, टूट सकती है, तो आप इसको लॉकर में रख के आइए। तो चलो भैया रख देते हैं, सारा रूल एंड रेगुलेशन जितने चोचलेपन है सारा बता दे रहा हूँ आपको मैं। और ये हम अंदर आ गए हैं वाटर पार्क के, अभी काफ़ी खाली खाली है, ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है। ये देखिए दोस्तों, स्लाइडिंग राइड्स हैं ये, और हम आ गए पानी के अंदर। और ये लोकेशन देखोगे आप तो हुडा सिटी सेंटर मेरे बैक साइड में दे रखा है, उसके जस्ट बगल में ये ओस्टर वाटर पार्क है अप्पू घर के नाम से। ऑटो से आना चाहते हैं तो ऑटो से भी आ सकते हैं, अगर आप वॉक करके आना चाहें तो एकदम करीब में ही है, हार्डली 10 मिनट का वॉक है यहाँ पर आने के लिए। अंदर रखा अंदर। ए भाई, ओए भाई, बीवेयर ऑफ पायरेट्स। यो, छीटा आ गया इस पे। ए भाई सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है ना?
दोस्तों चल रहे हैं ऊपर राइड पे। कौन सा पहले जाएगा? पहले वो जा रहा है लेफ्ट वाला, यो, और ये राइट। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। घुमा घुमा के और झकझोर करके मुझे लाई है वापस, ये वहां से ये चली है घुमा घुमा के घुमा घुमा के। अब हम चलेंगे नीले वाले, नीले वाले में तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। एक आपको दिखाता हूँ, ये झरने की तरह भी इन्होंने एक बना रखा है, शावर टाइप का है ये। ओ फेंको फेंको फेंको। ये एक और इन्होंने छोटा सा एरिया बना रखा है बच्चों के लिए। और उसके सामने है ये पूल, देखिए आप वेव आ रही हैं, बहुत ही कम लोग हैं अभी, मजा आएगा। जल्दी 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 और ये वेव फिर से आ गई है।
पूरा पूल का व्यू दिखा दे रहा हूँ आपको, वेव चल रही है ज़बरदस्त। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ दूसरी राइड पे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो क्योंकि बहुत ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग होने वाली है। ये देख लीजिए दोस्तों, खतरनाक वाली राइड का ये व्यू दे रखा है। ओए भाई पैर तो चल रहा एकदम, और ये हम जा रहे हैं ऊपर। चलो 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 चलो। दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस वाटर पार्क की कि पानी बहुत ही साफ सुथरा है, राइड भी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, हर जगह इनके एग्जीक्यूटिव और इनके बंदे लगे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, और जो इनका ट्यूब वगैरह है बहुत ही साफ सुथरी है, कहीं भी आपको गंदगी वगैरह नहीं मिलेगी। जैसे कि नोएडा वाला वाटर पार्क है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, उसका पानी देखो कि वो पानी खारा है, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो मीठा है। तो अगर आप के मुंह में थोड़ा सा पानी चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको थोड़ा सा पी भी सकते हो। तो ये ग्रीन वाला और वो जो ब्लू वाला है, ये डबल एंट्री के साथ होता है। पीला वाला सिंगल है भाई, ये है पीला, पीला नीला और ये देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक राइड है ये, और उससे भी खतरनाक हुआ है ब्लू वाले लेफ्ट में। क्या बोलते हैं आप लोग, चलें? चलते हैं यार, बिना चले तो मज़ा आएगा नहीं। ये वो राइड थी जिसे हम गए थे, और वो राइड में देखिए हम उस वाली राइड पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ से पूरा व्यू देख लो वाटर पार्क का, बहुत ही मज़ेदार। ये अभी और ऊपर है, खराब खराब कर देने वाली राइड है ये। कितनी ऊँचाई भैया इसकी? इंडिया टॉलेस्ट राइड है, 92 फीट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मजा आता है। ठीक है, ओ भाई हालत खराब हो गई इसमें। ये राइड है इंडिया की टॉलेस्ट राइड है 92 फीट्स की। बाप रे बाप, मैं तो दोबारा तो जाने वाला हूँ नहीं इस पे। बैठा जाए इधर, दोस्तों ये जो मैंने राइड की ना, ऐसे लगा कि पीछे ना किसी ने डाल दिया अंदर। घबराइए नहीं इस राइड पर, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस राइड में मत आना। अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आ गया पूल में,
और जो इनकी वेव चलती है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है कि आप समुद्र में ही हैं एकदम, और रियल इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार और इस राइड पे चला जाए क्योंकि मज़ा आया था इस नीली वाली राइड में, नीली वाली, हरी वाली, पीली वाली, सब पे एक बार और चलेंगे। और हम इस वाले राइड में बेसिकली फूड कोर्ट है यहाँ पर, फुली एयर कंडीशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए, चिल करिए। यहाँ पर अपने फूड ट्रक बना रखा है लेकिन मेरे ख्याल से ये इवनिंग में ओपन होगा, अभी तो ओपन हुआ नहीं है। बेसिकली आपको मॉक टेल्स और लिक्विड्स ही मिलेंगे। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हमारे जो एक्साइटिंग और एडवेंचरस व्लॉग होते हैं आगे उसको देखते रहा करिए और शेयर करते रहा करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वाटर पार्क वाला ब्लॉग? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया सही बताऊं मैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली का ना सबसे बेस्ट वाटर पार्क है, सबसे बेस्ट। थोड़ा सा चार्जेज थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी है, पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है, वॉशरूम आप देखोगे बहुत ही साफ़ सुथरा, भीड़ भाड़ है वो बहुत कम होती है, नोएडा की तरह नहीं कि एकदम अकच्च मचा हुआ है, लोग टूटे पड़े हुए हैं पानी में, गंदगी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कम लोग थे, साफ़ सुथरा था, वॉशरूम वगैरह मेंटेन था, जो लॉकर था वो भी एकदम साफ़ सुथरा। तो 200-300 रुपये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप आइए, अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड डू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।